हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, मैं आपको साइंस में जो बायो वाला पार्ट है, जीव विज्ञान वाला पार्ट है, उसको समझने में आपकी हेल्प करूंगी। मेरा नाम समता है, आप सभी नए बच्चे हैं, क्लास 9th में आपने मेरी क्लासेस ली होंगी, अब आप क्लास 10th में आ गए हैं। क्लास 10th आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, तो इसके लिए शुरू से ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। हो सकता है कि जो एग्जाम का कंटेंट है वो सिलेबस फुल कर दिया जाए। अगर पूरे साल क्लासेस सुचारू रूप से चल पाई तो सिलेबस भी आपका हो सकता है कि बढ़ जाए। पिछले कुछ सालों में सिलेबस को कुछ कट डाउन किया गया था, तो इस बार हम लोग पूरा सारा सिलेबस पढ़ने की कोशिश करेंगे और सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। पिछले सेशन में हम जय प्रक्रम के बारे में पढ़ रहे थे, तो दिव्यांशी, मुस्कान और अंजलि तीन लड़कियों से मैंने जय प्रक्रम क्या होता है ये पूछा था और बच्चों को काफी कुछ समझ में भी आया था। पिछले सेशन में भी मैंने आपको बताया था और इस सेशन में भी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं और साथ साथ समझते हुए चलेंगे। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों कि आप समझ के पढ़ेंगे तो एग्जाम में आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और रटंत विद्या जो होती है वो कहीं ना कहीं एग्जाम के टाइम में भूल जाते हैं आप, तो इसलिए समझते हुए आगे बढ़ेंगे, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आपका चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 है जैव प्रक्रम, यानी कि लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम आपका चैप्टर नंबर 6 है आपके साइंस वाली बुक में, और जैव प्रक्रम को आप इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब बच्चे अपनी कॉपी और पेन उठा लेंगे, रेडी हो जाएंगे, और इन चीजों को आपको जो स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है वो आप नोट करते चलेंगे और आगे मैं आपको धीरे धीरे समझाते चलूंगी। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ये वाली लाइन लिखेंगे, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। सभी नोट करेंगे, सभी बच्चे इस लाइन को नोट करेंगे, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। लास्ट सेशन में जो आपका पिछला सेशन हुआ था, उस सेशन में आपको लाइफ प्रोसेसेस के बारे में कंप्लीट अच्छी तरह से बता दिया गया था कि आखिर ये जैव प्रक्रम, ये लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं। ये आपकी लैंग्वेज है जो आपको एग्जाम में लिखनी है, लेकिन अपनी भाषा में समझने के लिए यदि आप चाहें तो आप समझ सकते हैं कि हर वो प्रक्रिया जो आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए होती है आपके शरीर के अंदर, वो क्या कहलाती है, लाइफ प्रोसेसेस या जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब जैव प्रक्रम में आपको चार तरीके के बारे में पढ़ना है। जैव प्रक्रम में आपको पढ़ना है पोषण के बारे में, पोषण जिसे आप न्यूट्रिशन कहते हैं। इसी तरह से फ्लो चार्ट बनाएंगे अपनी कॉपी में, पोषण जिसे आप न्यूट्रिशन कहते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है जैव प्रक्रम में श्वसन के बारे में, श्वसन जिसे आप रेस्पिरेशन कहते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है वहन के बारे में, या इसी को आप परिसंचरण भी कहते हैं, वहन या इसी को हम परिसंचरण भी कहते हैं, और उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन।
है, ये चार पॉइंट्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो अब क्योंकि ये सब चीज के बारे में लास्ट सेशन में पूरा इंट्रोडक्शन परिचय आपका इस चैप्टर से पिछले सेशन में बहुत अच्छी तरह से हो चुका है, ये अगर आप क्लास मान लीजिए पिछले सेशन में क्या पढ़ाया गया था ये आपको फिर से देखना है, तो आप उसको अपने स्कूल में टीचर से कह के पिछला रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, और यूट्यूब पे भी ये जो क्लासेस हैं आपकी ये अवेलेबल है, वहां पे भी आप ढूंढ के देख सकते हैं। पोषण के बारे में यदि बात करें हम लोग, बात करें हम सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में। सभी बच्चे कॉपी में नोट करेंगे, भोजन ग्रहण करना यानी कि सभी बच्चे खाना खाते हैं, सभी बच्चे क्या, सभी जीव जंतु पेड़ पौधे वनस्पतियां बड़े जानवर छोटे जानवर एक कोशिकीय बहुकोशिकीय सभी क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो पोषण का मतलब केवल मनुष्यों में नहीं बात हो रही है, पूरे के पूरे जीव जगत के बारे में बात हो रही है कि पूरे के पूरे जीव जगत को चलाने के लिए जो लाइफ होती है जो जीवन है उस जीवन को चलाने के लिए चार पांच प्रकार के कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जीव की शरीर के अंदर, उसमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम पोषण के नाम से जानते हैं। पोषण, आप सबने ये शब्द आपके लिए नया नहीं है, पोषण के बारे में आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं अपनी दैनिक जीवन की भाषा में बोलचाल में, जैसे न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशन वाला खाना पीना खाना चाहिए, ऐसी चीजें खाओ जिसमें न्यूट्रिशन अच्छा हो, है ना, ये आपने सुना होगा बहुत बार। लेकिन आखिर ये न्यूट्रिशन क्या होता है, ये पोषण क्या होता है, उसके बारे में आपको जानना है। तो हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जैव प्रक्रम, और इसी तरह से फ्लो चार्ट बनाएंगे, क्योंकि आपको इन चारों के बारे में इस चैप्टर में ब्रीफ में पढ़ना है। तो नंबर 1 लिख देंगे पोषण, नंबर 2 लिख देंगे श्वसन, नंबर 3 लिख देंगे वहन, और नंबर 4 लिखेंगे उत्सर्जन। अब पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे पोषण, और ब्रैकेट में न्यूट्रिशन भी लिखेंगे, ये नेसेसरी है। न्यूट्रिशन क्यों लिखेंगे, ताकि आपको दोनों भाषाओं में इस शब्द का मतलब पता हो, अगर आपसे कोई पोषण कहता है तो भी आप समझ जाएं, और यदि आपसे कोई न्यूट्रिशन बोले तो भी आपको समझ में आ जाए। अब साइंस पढ़ रहे हैं तो कोशिश करेंगे दोनों भाषाओं में समझने की, है ना, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाए तो भी समझ में आना चाहिए और हिंदी में पढ़ाया जाए तो भी समझ में आना चाहिए। उसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों कह रही हूँ करने के लिए, इसलिए क्योंकि जब आप अभी 9th और 10th में हैं, 11th 12th के बाद बच्चों क्या होता है कि जो कॉलेज में जो साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं इनकी हिंदी में किताबें अवेलेबल नहीं होती हैं, और सब कुछ इंग्लिश मीडियम ऑटोमेटिक हो जाता है आप चाहें या ना चाहें। तो कोशिश करेंगे धीरे धीरे शुरू से ही समझने की, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आता रहेगा। तो बाइलिंगुअल चलेंगे, दोनों भाषाओं में समझने की कोशिश करेंगे। भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करने के बाद क्या होता है शरीर में, पाचन की प्रक्रिया होती है, पचे हुए भोजन का अवशोषण, ये जो पचे हुए भोजन का अवशोषण है इसी को हम पाचन कहते हैं। जो ये पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है हमारे शरीर में, यानी कि जो फूड हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद हमारे शरीर में उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो क्या फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, नहीं, बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है, उसके बारे में हम आगे समझेंगे। टिपिकल प्रोसेस कैसे है, हमारे भोजन में आप सभी को पता है बेसिकली कुछ अलग अलग कंटेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे क्लास 6 में ही आपने फूड चैप्टर पढ़ा था, उसके बाद कई बार आपके इस कोर्स में ये चैप्टर आया होगा पाचन से संबंधित, 7th में भी इसका चैप्टर है। तो उसमें क्या बताया जाता है कि जब आपने खाना खाया तो खाने में आपके कुछ पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे कि फैट, जैसे कि विटामिन, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि मिनरल्स, है ना, जैसे कि आप पानी पी रहे हैं वो भी आपका पोषक पोषक
तत्व है वो भी आपके शरीर को पोषण देने का काम करता है, जैसे कि फाइबर यानी कि रेशेदार चीजें। तो ये सारी चीजें जो है इनका शरीर के पाचन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। अब पचे हुए भोजन, क्या जो हम खाना खाते हैं हर प्रकार का खाना हमें फायदा करता है? अगर हम एक बच्चा क्या खा रहा है, अंकुरित अनाज खा रहा है, अंकुरित अनाज, और अंकुरित अनाज भी ऐसा जो मिक्स हो जिसमें मूंगफली भी है, चना भी है, सोयाबीन भी है, मूंग भी है, चार प्रकार के बीजों को भिगा करके उसको अंकुरित करके और फिर उसको नाश्ते में वो खा रहा है। एक बच्चा क्या कर रहा है, नाश्ते में केवल ब्रेड 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 खा रहा है, केवल ब्रेड खा रहा है, पेट दोनों बच्चों का भर रहा है। बच्चा नंबर एक जो है वो खा रहा है अंकुरित अनाज, और जो दूसरा बच्चा है वो क्या खा रहा है, ब्रेड या ब्रेड से बने हुए कोई भी प्रोडक्ट, जैसे वो ब्रेड खा रहा है, ब्रेड पकौड़ा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, कभी जिद करके अपनी मम्मी से मैगी बनवा रहा है नाश्ते में। अब ये बताओ कि दोनों बच्चों में से खाना दोनों बच्चे खा रहे हैं, पेट भी जिसको कहते हैं सो कॉल्ड हमारा पेट भर गया, तो पेट भी दोनों बच्चों का भर रहा है, पर क्या उस दोनों बच्चों के शरीर में पोषण का जो स्तर है, जो उसके न्यूट्रिशन का लेवल है, क्या वो दोनों बच्चों के शरीर में एक समान होगा? तो सभी बच्चे एक साथ बोलेंगे, सबको ये समझ में आ रहा है कि न्यूट्रिशन का लेवल यानी कि पोषण का स्तर दोनों बच्चों का एक समान नहीं होगा, अलग अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पहला बच्चा है उसने अपने नाश्ते में, और इसमें एक ग्लास जूस भी ले रहा है, एक ग्लास फ्रेश जूस भी ले रहा है, या किसी फल का जूस ले रहा है या फलों को शामिल कर रहा है, तो उसको नाश्ते में क्या क्या मिल रहा है? देखो, उसको नाश्ते में प्रोटीन मिल रहा है, उसको नाश्ते में विटामिन्स भी मिल रहे हैं, क्योंकि वो क्या खा रहा है, फल भी खा रहा है, उसके अलावा उसको रेशे भी मिल रहे हैं, फाइबर भी मिल रहा है जिससे उसका पाचन तंत्र बहुत सुचारू रूप से काम करे, एक्सक्रीशन में कोई प्रॉब्लम ना हो यानी कि कब्ज की शिकायत ना हो, फ्रेश होने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसकी कई सारी कमियां शरीर की जो है उसको वो पूरा कर रहा है अपने नाश्ते के द्वारा। और दूसरा बच्चा जो है वो ब्रेड खा रहा है, तो उसको केवल एक चीज मिल रही है, ब्रेड खा रहा है तो उसको मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट। अब देखो, जो अंकुरित अनाज खा रहा है उसको प्रोटीन मिल रहा है, विटामिन्स मिल रहा है, और अगर इसमें वो थोड़ा सा जूस में, चूंकि जूस में क्या होता है, थोड़ा सा शुगर कंटेंट होता है, मतलब मीठा होता है जूस ना, तो मीठा होता है, मीठे होने के कारण उसको भी एनर्जी मिल रही है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है अपने दिन के काम करने के लिए, और ब्रेड जो बच्चा खा रहा है उसको भी ऊर्जा मिल रही है, लेकिन दोनों के पोषण का लेवल डिफरेंट होगा। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? यदि समझ में आ गई है तो हैंड रेस करके बताएंगे कि हाँ मैम, ये बात मुझे समझ में आ गई है। अगर बच्चों को समझ में आ गई है तो बस केवल हाथ खड़े करके बताएंगे कि क्या ये बात समझ में आ गई है। हाँ, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, बातचीत हम लास्ट में करेंगे, हाथ नीचे करो बच्चों, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहला तो इस उम्र में आप लोगों को अच्छा भोजन करना चाहिए, अच्छा भोजन इन द सेंस रोज रेस्टोरेंट जाके विभिन्न प्रकार के व्यंजन ऑर्डर करके खाना ही अच्छा भोजन नहीं होता, रोज शादियों में जाके बहुत सारे तरीके के डिशेस को खाना अच्छा भोजन नहीं होता। अच्छा भोजन का मतलब होता है कि संतुलित आहार का होना, अच्छा भोजन का मतलब होता है संतुलित आहार का होना। अच्छा भोजन का मतलब क्या है? संतुलित आहार, यानी कि आप ऐसा भोजन खाएं जो आपके शरीर के लिए अच्छा हो, ठीक है? तो सभी बच्चे पहले तो मन में ये सोचेंगे कि वो क्या खाएंगे, संतुलित आहार, जो भी सामने थाली आए
उस थाली में कोशिश करेंगे जानने की कि आप क्या क्या कंटेंट कितनी मात्रा में खा रहे हैं और आपके शरीर को उसकी कितनी ज्यादा जरूरत है। जैसे हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है ऊर्जा के लिए, तो प्रोटीन की जरूरत होती है हमारे शरीर में रिपेयरिंग के लिए और शरीर की वृद्धि के लिए। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, पोषण की। पोषण का अगर हम परिभाषा की बात करें तो पोषण क्या है, भोजन ग्रहण करना यानी कि भोजन खाना, पचे भोजन का अवशोषण यानी कि जो भोजन उन्होंने खाया, आपने मैंने जो भोजन खाया उसका डाइजेशन होना। आपको पता है कि आपके मुंह से लेकर ही आपका पाचन तंत्र शुरू हो जाता है और एनस तक कंप्लीट होता है, तो उसमें भोजन पचता है और पचने के बाद जो ये मैंने पोषक तत्वों की बात करी, ये पोषक तत्व सरल रूप में आ जाते हैं और वो पोषक तत्व हमारे शरीर के द्वारा क्या किए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण करना एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए यानी कि रिपेयरिंग के लिए, जो भी टूट फूट हो रही हो आपके शरीर में, जो भी अप डाउन हो रहा हो उसकी मरम्मत के लिए, टूट फूट के लिए उन पोषक तत्वों का उपयोग, जो पोषक तत्व आपको भोजन से मिल रहे हैं उन पोषक तत्वों का आपके शरीर के द्वारा आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जाने वाला उपयोग, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पोषण क्या होता है। पोषण का मतलब सरल शब्दों में कहेंगे तो पोषण का मतलब हुआ कि आपके द्वारा, मेरे द्वारा, पौधों के द्वारा, हर प्रकार के जीव जंतु के द्वारा खाना खाना, उस खाने में मौजूद जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसके अंदर, जो पोषक तत्व है उसके अंदर, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उन न्यूट्रिएंट्स का, खाने में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका सरल रूप में टूटना, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जटिल रूप में होते हैं। ठीक, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट को अपने माउथ में ही तोड़ देते हैं, आप रोटी को खूब चबा चबा के खाते हैं, तो क्या होता है, पाचन का मतलब है कि जो भोजन आप खा रहे हैं उसका छोटे 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 टुकड़ों में टूटना और न्यूट्रिएंट्स यानी जो पोषक तत्व हैं उनका जटिल रूप से सरल रूप में आ जाना। ठीक है, तो भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण करना। अब पचे हुए भोजन का अवशोषण, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर मौजूद जो पोषक तत्व हैं उनका शरीर के द्वारा अवशोषण करना और शरीर के द्वारा शरीर को फिट रखने में, शरीर की टूट फूट में मरम्मत करने में उन न्यूट्रिएंट्स का, जो शरीर के द्वारा अवशोषित किए गए, जो हमारे कहाँ मौजूद थे, भोजन में मौजूद थे, उसका यूज किया जाना शरीर के द्वारा, क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। आई होप आपको पोषण यानी कि न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो बच्चे हैंड रेज करके बता देंगे मुझे, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। बच्चों दो तरीके हैं क्लास करने के, या तो आप हैंड रेज करके बताते चले कि समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, और या फिर आप क्वेश्चन करेंगे, तब कनेक्ट होके क्वेश्चन करेंगे, बातचीत करेंगे कि पोषण क्या होता है। जैव प्रक्रम हमने लास्ट सेशन में कर लिया था, इस सेशन में पोषण के बारे में मैंने बताया, तो कहाँ पे कोई कंफ्यूजन है, कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, वो आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। और साइंस के बच्चों से खास तौर पे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नहीं समझ में आता अगर कोई कॉन्सेप्ट, तो उसको आपको जरूर से पूछना है, क्योंकि अगर क्लास में शर्माएंगे और क्वेश्चन नहीं करेंगे तो बाद में आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, जिसको कहते हैं बेस। अगर आपको ABCD नहीं आएगी तो आप फिर अक्षर और वाक्य कैसे लिखेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा साइंस में, तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स, आपको आता भी होगा फिर भी आप शायद गेन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए क्वेश्चन पूछने में पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, तो पोषण आपका एकदम क्लियर हो गया है कि संतुलित आहार से जो पोषक, संतुलित आहार में क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, पोषक
तत्व, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स का शरीर के द्वारा अवशोषण किया जाना और शरीर के द्वारा उसका यूज किया जाना। अच्छा, एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। जैसे एक आदमी है, बहुत बड़ा करोड़पति, उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन शरीर ऐसा है कि न चल पाता है न दौड़ पाता है और अपने उन पैसों का यूज भी नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि है बहुत कुछ लेकिन यूज नहीं कर पा रहा है। तो अगर पोषक तत्वों का आपका शरीर यूज कर रहा है और आपका शरीर फिट हो रहा है उसको पा करके, इसका मतलब आपका न्यूट्रिशन का लेवल, पोषण का लेवल ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपने बहुत बार सुना होगा कि मम्मियों का लाइन है ये, बहुत कुछ खिलाती हूँ अपने बच्चे को लेकिन उसके शरीर को लगता ही नहीं। क्या ये लाइन आपने बहुत बार सुनी नहीं कि बहुत खिलाती हूँ अपने बच्चे को लेकिन उसके शरीर को कुछ लगता ही नहीं? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनका जो आहार है वो कहीं ना कहीं संतुलित नहीं होता है। मैगी खाने से शरीर में ना तो कोई पोषक तत्व जाते हैं और ना ही आपके शरीर को कुछ फायदा होता है। उससे क्या है, वो एक टाइप का केवल भूख मिटती है और आपका पेट भर जाता है। लेकिन अगर आप सोचें कि आपके शरीर को जो पोषक तत्वों की जरूरत है वो पूरी हो जाती है, तो वो नहीं हो पाती। तो पोषण के बारे में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पूरा। अब पोषण के आधार पे जीव जो हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको दो समूहों में बांटा जा सकता है। इसके बारे में आप पहले भी जानते हैं कि न्यूट्रिशन के आधार पे जीवों को दो समूहों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से समूह हैं? पोषण दो प्रकार का होता है। पीछे वाली लाइन से भी बच्चों ने नोट कर ली थी ये वाली, पोषण में भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण और शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। ये लाइन नोट करनी है, उसके बाद नोट करनी है पोषण के आधार पर। अब लिखेंगे पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा जा सकता है, यानी कि दो प्रकार का पोषण होता है। पोषण यानी कि जिसे आप कहते हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। अब कोई पूछे कि पोषण क्या होता है, पोषण किसे कहते हैं, तो क्या आप एक या दो नंबर के क्वेश्चन में इसका आंसर अच्छी तरीके से लिख पाएंगे कि पोषण किसे कहते हैं या न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? हर बच्चा अपनी अपनी भाषा में लिखेगा। मैंने पिछली क्लास में भी आपको ये मोटिवेट किया था कि अपने शब्दों में जब आप आंसर को लिखते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाता है या टीचर को पता चल जाता है कि आपने मेहनत की है पढ़ने के लिए, तो उसमें मार्क्स हमेशा ही अच्छे मिलते हैं। तो पोषण दो प्रकार का होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि खाने की आदतों के आधार पर, किसके आधार पे, खाने की आदतों के आधार पे या ईटिंग हैबिट्स के आधार पे जो न्यूट्रिशन होता है हर प्रकार के प्राणियों में, वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण जिसे आप कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि स्वपोषी पोषण। और दूसरे प्रकार का पोषण होता है विषम पोषी पोषण, यानी कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो पहले इसको नोट करेंगे, पोषण दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आप किसके बारे में, स्वपोषी पोषण के बारे में। स्वपोषी पोषण क्या होता है? आप पौधों के बारे में सोचिए, क्या पौधों को आप खाना बना के देते हैं
नहीं, पौधे सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में जो हरी पत्तियां होती हैं, उनमें कुछ न कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसी कोई प्रोसेस होती है जिससे उनका खुद का खाना वो स्वयं बना लेते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोई बच्चा बताएगा कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा सूर्य की रोशनी में हरी पत्तियां अपने लिए स्वयं का खाना बना लेती हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी बच्चे को पहले से पता है कि सूर्य की उपस्थिति में यानी कि सनलाइट में पौधे अपने लिए खाना स्वयं बना लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई पेट है, डॉगी है, कोई बिल्ली है, कुत्ता है, गाय है, हमने पाली है, तो क्या हम उसको खाना देते नहीं है? हम उसको चारा देते हैं, हम उसको रोटी दूध देते हैं, लेकिन क्या हम अपने पौधों को कुछ खाना खिलाते हैं? तो पौधे अपना पौधे भी जीव हैं, पौधे भी जीवित होते हैं। आप सबको पता है जीवित और अजीवित, जैविक और अजैविक, बायोटिक और एबायोटिक, लिविंग नॉन लिविंग, इसके बारे में हमने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से समझा था। तो इतना क्लियर हो गया था कि पौधे जो हैं वो जीवित होते हैं, वो चलते नहीं, वो दौड़ते नहीं, लेकिन काफी कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो पौधे के अंदर होती हैं, और वो लक्षण ये बताते हैं कि पौधे जो है वो जीवित होते हैं। तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा पौधे अपना खाना खुद बना लेते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? उसका नाम जानना चाहती हूं मैं। और आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बताने की कोशिश करो, माइक लो, ऑन करो, बात करो, क्लास में पढ़ने के लिए बैठे हो, और जब मैम पूछे बार बार तो अगर आ रहा है तो भी माइक लीजिए, नहीं आ रहा है तो भी आपको माइक लेना चाहिए, क्योंकि अब इस बार लापरवाही नहीं चलेगी। आप लोग क्लास 10th में आ गए हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं आप। माइक लीजिए। पागलपुरमा के बच्चे माइक लो बेटा, ऑन करो माइक को। मेरे ख्याल से लास्ट सेशन में भी इसी स्कूल के बच्चों से बात हुई थी। दिव्यांशी आई है, मुस्कान थी, अंजलि थी, माइक ऑन करिए बेटा, फटाफट माइक ऑन करो, समय नहीं बर्बाद करते हैं, जल्दी जल्दी। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, गुड मॉर्निंग, आपका क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण। गुड मॉर्निंग बच्चा, आपका क्या नाम है? नाम क्या है, नाम जिसने बताया प्रकाश संश्लेषण? शब्बो। शब्बो, वेरी गुड। शब्बो के लिए तालियां बजनी चाहिए। शब्बो ने ये बताया कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा खुद बना लेते हैं। यानी कि अब बिल्कुल पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो पौधों के अंदर होती है, तो पौधे अपना खाना खुद बना ले रहे हैं, इसका मतलब किसी और के ऊपर वो निर्भर नहीं है। किसके लिए? अपने भोजन के लिए। तो जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है वो क्या होता है? जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं वो आत्मनिर्भर होता है, यानी अपने ऊपर ही निर्भर, अपने आप ही वो अपना काम कर ले रहा है। तो पोषण का वो तरीका शब्बो ने बहुत अच्छा बोला। शब्बो, शब्बो के लिए तालियां बजनी चाहिए, ठीक है। शब्बो ने ये बताया कि पोषण का वो तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित, अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों से, सरल अजैव पदार्थ मतलब जीव जंतु वनस्पतियां नहीं, अजैव पदार्थ मतलब जैसे धूप, पानी, मिट्टी, ऐसी चीजें जिसमें जीवन नहीं है, उससे ही, और हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। इस प्रकार का पोषण क्या कहलाता है बच्चों? इस प्रकार का पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। तो आज की क्लास में आप सभी ने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में आप सभी ने पोषण के बारे में जाना,
और पोषण यानी कि खाने की आदतों के आधार पे दो प्रकार का होता है, आपने ये जाना। तो जो क्लास में दिखाया जाता है उसको आप नोट करते चलेंगे, इसे भी आप नोट करेंगे। पोषण दो तरीके का होता है, स्वपोषी पोषण और। तो बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने पोषण के बारे में जाना और पोषण यानी कि खाने की आदतों के आधार पे पोषण दो प्रकार का पाया जाता है जीव जंतुओं और वनस्पतियों में, उसके बारे में आपने जाना। शब्बो ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि खाना जो पौधे अपने आप बना लेते हैं उस प्रोसेस को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसके बारे में इसी चैप्टर में आपको आगे पढ़ना है। आज की क्लास में इतना ही। That's all for today. Have a nice day. Take care.